नमस्कार दोस्तों, आज इस लेसन में आप लोगों के लिए एक एडवांस एक्सरसाइज, एक एडवांस पलटा, एक अलंकार लेके आया हूँ, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से अपने गले को तैयार कर सकते हैं। प्लस अपनी उंगलियों को, जो लोग चाहते हैं कि हारमोनियम के ऊपर उनकी उंगलियाँ बहुत तेज़ी से चले, फ्रीली चले, तो ये एक्सरसाइज उनको डेली करना चाहिए और हर एक थाट, हर एक स्केल से आप इस एक्सरसाइज को बजाइए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अभी इस एक्सरसाइज को देखते हैं आपको बजाना कैसे है। सो ये एक्सरसाइज आपको एक ही टेक में बजाना है, बिना रुके, यानी कि एक ही सांस में, एक ही फ्लो में। सो मैं पहले आपको बजा के दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्लो स्लो सिखाऊंगा कि आपको कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी ये जो आउटपुट है कुछ ऐसा ही आए। सा ग रे मा ग प स रे ग म प रे म ग प म ध रे ग म प ध ग प म ध प नि ग म प ध नि म ध प नि ध स म प ध नि स सा ध नि प ध म स नि ध प म नि प ध म प ग नि ध प म ग ध म प ग म ध प म ग रे प ग म रे ग स प म ग रे स। सो एक ही टेक में आप इसको बजाना है और जब आप इसको आकार में करेंगे तो आपके गले में गमक आए। ये देखिए, जबरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करते हैं और अलग अलग थाटों में बजाते हैं, अलग अलग स्केल से बजाते हैं, तो आपकी बड़ी अच्छी गले की तैयारी होगी, प्लस आपकी उंगलियों की भी बहुत अच्छी तैयारी होगी। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है रियाज ऐप की तरफ से। रियाज ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको संगीत की तमाम सारी जानकारी सीखने को मिलती है, आपके राग थाट, आपके फिल्मी गाने, हिंदी गाने, फिल्मी भजन, सब कुछ आपको इस ऐप की मदद से सीखने को मिलेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आप अभी इस ऐप को डाउनलोड करें। सो इस अलंकार को सेम आप इसी फ्लो में बजाएंगे, बिना रुके बजाएंगे, बैक टू बैक बजाएंगे, और आप चाहें तो इसके साथ ताल ददरा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप में दो दो स्वर का पैटर्न है, यानी कि एक स्टेप में टोटल 12 स्वर है। सो आप इसको ताल ददरा के साथ बजा सकते हैं, बड़ी अच्छी तैयारी के लिए, बहुत एकदम जबरदस्त रिजल्ट के लिए ये जो पलटा है आप लोगों के लिए स्पेशली मैं लेके आया हूँ। सो जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी गले की तैयारी करेगी, आपकी उंगलियों को फास्ट करने में हारमोनियम के ऊपर बहुत मदद मिलेगी। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए। धन्यवाद।